भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह में बूथ विस्तार योजना बनाई जा रही है। वहीं इसी तारतम्य में आज बड़वानी के सेगांव हनुमान मंदिर पर बुद्ध विस्तारक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुद्ध विस्तारक कार्यशाला में सांसद गजन सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष ओम सोनी, पूर्व जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल आदि की उपस्थिति में बुद्ध विस्तारक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुद्ध विस्तारक कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से आत्मीय संवाद करते हुए विभिन्न संगठनात्मक विषय पर संवाद किया। मैं कार्यकर्ता को बताया कि इस अभियान के माध्यम से बुद्ध डिजिटल तो होंगे, साथ ही संगठन कार्य विस्तार भी होगा। बूथ विस्तारक योजना भाजपा की सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने के लिए मील की पत्थर साबित होगी। यह बात भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने बूथ विस्तारक कार्यशाला के दौरान कही। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले में विधानसभा कार्यशाला चल रही है, उसमें हमारे बीच में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सम्मानित भगवान दास जी सम्मानी जी, इस बड़वानी जिले के संगठन के प्रभारी कुशल योजनाकारी सम्मानित राघवेंद्र गौतम जी, मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री सम्मानित प्रेम सिंह जी पटेल साहब आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आज मानसवन विधानसभा, बड़वानी विधानसभा और सेनवा विधानसभा की तीन कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं भाजपा जिला कार्यालय बड़वानी में प्रेस वार्ता रखी गई थी। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय भगवान दास सब्जी सबना, कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेम सिंह जी पटेल, भाजपा जिला इस अध्यक्ष ओम सोनी जी और ओम सोनी उपस्थित थे। बुद्ध विस्तारक कार्य योजना के विषय पर सबनानी जी ने बताया मीडिया को। 10 घंटे एक बूथ पर, 10 घंटे दूसरे बूथ पर, ऐसे ही क्रमशः हर बूथ पर 10-10 घंटे देना है और 10 दिन तक देना है। 100 दिन होंगे, अर्थात हम 100 दिन का जो पर्व मना रहे हैं वो 100वें वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसलिए वहां जाकर के कार्यकर्ता का रजिस्टर पर भी नाम होगा और दूसरी तरफ आज के युग में हम आज की तकनीकी के साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं आज वर्चुअल मीटिंग होती है, हम वर्चुअल संवाद करते हैं, तो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उस कार्यकर्ता का रजिस्टर में तो अंकन होगा ही, लेकिन उसको मोबाइल के माध्यम से भी संगठन ऐप हमने बनाया है तो संगठन ऐप में भी उसका मर्ज होगा। इस नाते से एक कार्यकर्ता का दो हिस्सों में दो स्थानों पर लिखा होगा, रजिस्टर पर भी होगा और डिजिटलाइजेशन भी होगा, ताकि हमारा नेतृत्व कभी भी उनके साथ संवाद कर सके, पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी दे सके, मन की बात जैसे कार्यक्रम कर सके। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को हम मनाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम सभी श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के बोए हुए बीज को आज वट वृक्ष के रूप में देख रहे हैं। निसंदेह एक तपस्वी कर्मयोगी के माध्यम से मध्य प्रदेश में माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कार्य किया और आज पूरे देश में आदर्श संगठन के रूप में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। अब इस काम को लगातार हम करते रहे, अलग अलग तरीकों से करते रहे। जब श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय हुआ तो उनको क्या प्रिय हो सकता है, इस पर विचार हुआ तो उन्होंने संगठन गढ़ने का काम किया। तो हमने एक जो सूत्र वाक्य दिया है, संगठन गढ़े चलो, इस पर हमारा ठीक कार्यकर्ता क्या है ये और क्या करने जा रहे हैं? आज हम सब लोगों के पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं सबकी ड्यूटी इन लोगों ने लगाई है और हम सब जाने वाले हैं। मुझे भी कुछ ही जाना है, भाई साहब को पांचेमल जाना है, भाई साहब अध्यक्ष जी जा रहे हैं और इस बारे में जो बात बताई उस पर हम कड़ा मुकाबला करेंगे इस बार, अगला 23 का भी और 24 का भी। जी उसी की तैयारी बिल्कुल।